मेरे जीवन की सफलता का आपको मैं सीक्रेट दे रहा हूं। मैं संसार में था तो मैं पापी था, पियक्कड़ था, मैं नशेड़ी था, गंजेड़ी था, मैं मेडिकल नशे करता था, मैं उग्र लोगों के साथ में मेरी यारी दोस्ती थी, घूमना फिरना था, उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा मारपीट पुलिस केस मेरे ऊपर में बहुत सारे, लाखों का कर्ज था मेरे ऊपर में 2010, चार लाख पांच लाख का कर्ज था मेरे ऊपर में 2010। मैं बोलते ना, जब पाप का घड़ा भरता है ना, एक दिन फूटता है। जब मेरे पाप का घड़ा, जब पाप भरा घड़ा फूटा, मैं चारों खाने चित था, मैं हार चुका था, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं, मैं रोड पर आ चुका था, डिप्रेशन में आ गया था, मैं तनाव में आ गया था। तो तनाव में आकर के अब मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, कभी ये पहन ले, कभी वो पहन ले, कभी उत्तर चले जा, दक्षिण चले जा, पूरब चले जा, पश्चिम चले जा, सब करने लगा, सब करने लगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ। मेरा कंडीशन और बदतर हो गया, मेरा कंडीशन और बदतर हो गया। और आखिरी में जब मैंने देखा कि कहीं से कुछ नहीं होता, कुछ कराने से कुछ नहीं होता, कुछ पहनने से कुछ नहीं होता, ये कर लो, यहां जाने से कुछ नहीं होता, वहां जाने से कुछ नहीं होता, मैं सब जगह गया था, सब जगह गया, कुछ नहीं हुआ मेरे को, कुछ नहीं हुआ। अंत में मैंने अब सोचा कि मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा, मैं सुसाइड कर लूंगा अंत में। और आपको मैं बता दूं, मैं नशा करके मैं आत्महत्या करने के लिए निकल गया था, मैं कर लेता आत्महत्या, क्योंकि नशे में आदमी सोचने समझने की हालत में नहीं रहता। मैं बहुत नशा कर लिया, डिप्रेशन में था मैं, आदमी सुसाइड डिप्रेशन में करता है। लेकिन खुदावंत का धन्यवाद हो कि उसने मुझे चुन लिया था मां के गर्भ से, इसी कारण आज जीवित आपके सामने मैं खड़ा हूं। मैं अगर उसने मुझे चुना नहीं होता तो 2010 में आत्महत्या कर लिया होता और 2010 में ही मेरे घर में फोटो टंगी होती और उस पर माला लगा होता, वो भी सूखा हुआ, या शायद वो भी नहीं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद हो, मैं उसको नहीं जानता था। लेकिन जब मैं सुसाइड करने के लिए निकला मेरे प्रियो, तो मेरे जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ। मैं जैसे ही निकला था, ठान करके निकला था, और उसी जहां मैं रहता था उसी के पास में एक बहन रहती थी, मेरी मुंह बोली बहन थी, मैं उसको बहन मानता था और बहुत उसका मैं आदर करता था। मैं जब निकला तो अचानक से वो सामने में आई और मेरे को आवाज मारी, मैं रुक गया, मेरा चेहरा देख करके वो समझ गई। और तब मैं दिल से उसको बोलने लगा कि मैं अपना जीवन खत्म कर लूंगा और मैं अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूं, ऐसा ऐसा करके। तब उसने मुझे सुसमाचार सुनाया, उसने मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उसने कहा, देख तू सब जगह गया, सब कुछ करा लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया, तूने सब कर लिया, क्या तू कभी प्रभु यीशु के पास गया? नहीं गया। एक बार अपने जीवन को और मौका दे और प्रभु के पास जा। उसने कहा, मैं विश्वास दिलाती हूं तू निराश नहीं होगा। वो बात सुनकर के मेरे मन में शांति आई, मेरा मन चेंज हुआ। मैंने कहा कि एक बार अपने जीवन को और मौका देता हूं मैं। और प्रभु का वचन सुनकर, प्रभु का सुसमाचार सुनकर के, गवाही सुनकर के ना मेरा माइंड बदल गया। मैंने बहुत सारी गवाही सुना, उसकी गवाही सुना मैंने कि कैसे वो दुष्टात्मा से ग्रसित थी, हर जगह गई छूट नहीं पाई, पागल हो गई थी। प्रभु के पास में लेकर के गए, प्रभु यीशु मसीह के पास में उसको लेकर के चर्च लेकर के गए, आधे घंटे के प्रार्थना में पागलपन के दुष्टात्मा छोड़ करके चली गई, आधे घंटे की प्रार्थना में 2 साल के अपने पागलपन और दुष्टात्मा के अटैक से आजादी पा लिया और उस दिन उसने जीवन पा करके गया। ये बात मैं जानता था, मेरा देखा हुआ था, उसको दुष्टात्मा जादू टोना के कारण दुष्टात्मा का अटैक हुआ था और वो मेंटल हो गई थी। डॉक्टर लोग बोलते थे मेंटल, लेकिन उसको जादू टोना का अटैक होता था। लेकिन जब लेकर के गए, प्रार्थना हुआ चर्च में, प्रभु यीशु के नाम से मैंने देखा उसको आजाद होते हुए। उसने मुझे अपनी गवाही बता करके समझाया कि देख मेरे साथ में क्या था, तू तो फिर भी तेरा कंडीशन इतना भी नहीं है, मैं तो पागल हो चुकी थी, एक बार प्रभु के पास में जा। और मैं प्रभु के पास में गया मेरे प्रियो, और मैंने प्रभु का वचन सुना,
और जब मैंने प्रभु को पास गया, प्रभु का वचन सुना, और जब मैंने प्रभु का वचन सुना, मेरे अंदर में एक अजीब सी शांति आई, एक अजीब सा विश्वास आया, और मेरे अंदर में एक सुकून मिला, और मुझे लगा हाँ मेरा समस्या का समाधान अब यहीं से होगा, मेरे ये प्रभु यीशु जिसको मैं नहीं जानता, ये मेरी समस्या का समाधान करेगा। और मैं प्रभु के पास में जाना शुरू कर दिया, मेरे प्रियो संगति शुरू कर दिया। और आपको मैं बता दूं, मैं प्रतिदिन जाने लगा, क्योंकि मेरा प्रॉब्लम बड़ा था, मैं डिप्रेशन का शिकार था, असफल हो चुका था, रोड पर आ चुका था, कर्ज मेरे सर पर था, करियर चौपट हो चुका था मेरा। प्रतिदिन मैं प्रभु के पास में भागने लगा, दौड़ने लगा, क्योंकि घर में मुझे सुकून नहीं था, शांति नहीं थी, दुष्टात्मा परेशान करती थी मेरे को, रात दिन चैन नहीं था, पागल पागल जैसा लगता था, सुसाइड कर लूं जैसा लगता था, तो घर पे नहीं रहता था मैं। कभी ये मीटिंग में भाग रहा हूं, कभी वो मीटिंग में भाग रहा हूं, कभी यहां भाग रहा हूं, कभी वहां भाग रहा हूं। प्रतिदिन पासवानों से शिक्षा पाने में, प्रतिदिन संगति करने में, प्रतिदिन प्रार्थना करने में मैंने अपने आप को बिजी कर लिया। और चंद दिन महीने गुजरे, मेरे को मालूम नहीं चला, और मैं नशे से, गांजे से, मेडिकल नशे से, वो गाली गलौज, वो बुरी संगति, वो बुरा करैक्टर, वो व्यभिचार, मैं आजाद हो गया, स्वतंत्र हो गया, अपने डिप्रेशन से मैं फ्री हो गया, मेरे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया, मेरे जीवन में सुधार आना शुरू हो गया। मेरे घर और परिवार के जब लोग देखने लगे, उनको भी बहुत आश्चर्य होने लगा जब मेरे परिवार के लोगों ने देखा, जब मेरे परिवार के लोगों ने मालूम चला ये कैसे बदल रहा है, आजकल इसके दोस्त यार नहीं आते, ये दोस्त यारी में घूमता नहीं है, ये मोबाइल में रहता नहीं है, आजकल ये रात को 12 एक बजे तक घर नहीं आता, आजकल ये नशा करके घर नहीं आता, आजकल ये घर में गाली गलौज नहीं कर रहा, ये गुस्सा नहीं कर रहा, ये झगड़ा नहीं कर रहा, ये कैसे बदल गया, कैसे क्या हो रहा है, कैसे बदल गया। तो मेरे घर परिवार वालों को मालूम चला अच्छा चर्च जा रहा है। तो मेरे परिवार वाले मेरे को कुछ नहीं बोले, क्यों, क्योंकि मेरे जीवन में सुधार और बदलाव देख रहे थे, कि ये जानवर कैसे इंसान बन गया देख रहे थे, और उसका भेद क्या था, उसका सीक्रेट क्या था। सप्ताह में एक दिन नई चर्च, प्रतिदिन। और आपको बता दूं, जो काम सालों साल आज लोगों के जीवन में नहीं होता, चंद महीने में मेरे जीवन में मैंने छुटकारा पा लिया था। कौन था मैं, कहां था मैं, प्रभु ने मुझे कहां से उठा करके कहां खड़ा कर दिया, खुदा ने नाम दिया, शोहरत दिया, सम्मान दिया, इज्जत दिया, बड़ी मिनिस्ट्री दिया, खूब ब्लेस किया, प्रॉस्पेरिटी दिया खुदा ने मुझे। पाप के कारण से मेरा जीवन खत्म हो चुका था चर्च, लेकिन आपको मैं मेरे सक्सेस का सीक्रेट बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। प्रतिदिन सिर्फ सप्ताह में एक दिन संडे आ जाओ और बैठ जाओ, वचन सुन लो, मास पेर अटेंड कर लो, लेहन करवा लो, आप आओगे गवाही के साथ। मैं ये नहीं बोलता नहीं आओगे, आओगे, लेकिन आपका आत्मिक जीवन बहुत स्लो चल रहा है, आपकी आशीष में आप बहुत स्लो चल रहे हो।